लड़कों के हंगामे के बाद ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटों के लिए बंद कर दिया। इसके अलावा ट्रंप के कई ट्वीट को भी ट्विटर की तरफ से हटा दिया गया। बताया गया कि उनका ट्वीट भड़काऊ था, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। दरअसल अमेरिका में चुनाव की बात से ही बवाल मचा हुआ है। आज अमेरिकी संसद में जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद पर मोहर लगनी थी, लेकिन उससे पहले ही उसमें खलल पड़ी। अमेरिकी संसद के बाहर सैकड़ों की संख्या में ट्रंप के समर्थक जमा हुए, बाइडेन की जीत का विरोध किया। वहां भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती करनी पड़ी, लेकिन ट्रंप के समर्थक संसद भवन के अंदर घुस गए, जिसके बाद वहां चल रही कार्रवाई को रोकना पड़ा। वहां मौजूद सभी सांसदों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। CNN की खबर के मुताबिक संसद के अंदर गोली भी चली, जिसमें एक महिला घायल हो गई। खबर है कि बाद में अस्पताल में उस महिला की मौत हो गई। तो 5 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से अमेरिकी संसद में बवाल होता है, ये पूरी दुनिया ने देखा, और जो तस्वीरें अमेरिकी संसद से सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। इस बीच जो बाइडेन, जो कि वहां के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है वो अमेरिकी लोगों के हित में नहीं है, और शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी।